हाय फ्रेंड्स, आज देखिए मेरे पास एक रिको का मॉडल आया है। इसका है मॉडल नंबर MP2001L। ये जो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ दोस्त, ये फॉल्ट आपको जल्दी यूट्यूब पर मिलेगा नहीं। और मैं क्या है, बकवास वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए, इस प्रिंटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट कमांड देंगे, कोई भी पेज को आप प्रिंट देंगे, तो प्रिंट देने के बाद क्या है, पेपर को लिफ्ट करेगा। लिफ्ट करके ये देखें, ये फ्यूजर है दोस्त, यहाँ पे आके पेपर को फंसा देगा, यहीं पे या यहाँ पे फोल्ड कर देगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है, पेपर वहाँ से लिफ्ट करेगा और यहाँ पे पेपर ला के फंसा देगा। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए, आप ध्यान से जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये वाइट वाले नोब हैं, 1 2 3 4। ये क्या होता है दोस्त, या तो ये टूट जाते हैं, नहीं तो ये बाहर आ जाते हैं थोड़ा सा। ये देखेंगे, ये क्या है ना, या तो ये टूट जाएंगे, ये टूट ही जाते हैं यहाँ से, नहीं तो ये क्या है, ये बाहर आ जाएंगे। इसको खींचने, ये थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, देखना आप फिजिकली देखोगे तो पता चलेगा कि ये थोड़ा सा बाहर, जैसे कि ये मिडिल वाला भी बाहर था। तो इसको क्या करें, उंगली से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। या इसमें स्प्रिंग भी है दोस्त, ये स्प्रिंग भी निकल जाएगा तो दिक्कत करेगा। या तो इसको निकाल ही दें, या तो इसको निकाल दें, और नहीं तो इसको प्रेस फिटेड कर दें और यहाँ पे स्प्रिंग है उसको लगा दें। लगाने के बाद आप प्रिंट दें, यहाँ पेपर नहीं फंसेगा, फ्यूजर में पेपर नहीं फंसेगा। अगर आपका रोलर सही है, प्रेशर रोलर सही है, हॉट रोलर सही है, और यहाँ पे पेपर आके फंस रहा हो, यहीं पे फोल्ड कर देगा बिल्कुल, तो समझना ये इसी का प्रॉब्लम है। या तो इसको नया लगाएं, नया नहीं भी मिलता है तो इसको निकाल ही दें, नहीं तो इसको अंदर, इसके ऊपर ये टच होना चाहिए, जैसा देखें अभी ये टच है। तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपका पेपर यहाँ पर नहीं फंसेगा। कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप करें, 101% ये ठीक होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल का नाम है चंडीमा टेक चैनल IT सॉल्यूशन क्लास। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, ताकि मैं इसी तरह और वीडियो बनाता रहूं। अगर लगता है कि मेरा वीडियो गलत है या मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बनाता हूँ, तो मेरा कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आप ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल करके देखें, अगर नहीं होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखें चलेगा। जैसा बताया कि पेपर यहीं पे अगर फंस रहा हो, रिको का कोई भी मॉडल हो दोस्त, ये मैं आपको 2001 पे बना रहा हूँ, 2501L हो, कोई सा भी रिको का मॉडल हो, अगर यहाँ पेपर फंसा रहा हो तो उस नोब का ही प्रॉब्लम होता है। तो आप उसको करें, ठीक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।